सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं हूँ विशाल वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार 2012 के बारे में। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस, अभी बताता हूँ मैं इसका वैगनार 2012 का पॉजिटिव और नेगेटिव फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं जैसे ही कार में, तो पहले ऐसा इंटीरियर मिल जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है फर्स्ट, वो ये है कि इसकी जो एसी की कूलिंग है वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर जो एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पर ये एसी वेंट्स की पोजीशनिंग कुछ यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये गलत पोजीशनिंग दे दी है, जिससे कि पीछे वाले पैसेंजर्स के पास कूलिंग अच्छे से नहीं जा पाती है और प्रॉब्लम होती है उन्हें। यहाँ पर देखेंगे तो ड्राइवर साइड भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जैसे कि मैं ड्राइव करता हूँ यहाँ पे कार को, तो यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम करता है, यहाँ पर कूलिंग सही से मेरे पास नहीं आ पाती। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव पॉइंट है एसी अच्छी कूलिंग देता है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर इसके वेंट्स बहुत ही गलत पोजिशनिंग पे दिए गए हैं। तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सेकेंड पॉइंट बता देता हूँ इसका। वैगनार 2012 में इसमें आपको बहुत सारी स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पर चारों डोर्स में एक मैगजीन होल्डर जरूर मिलते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत ही ऐसे डोर्स में स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड में भी ड्राइवर साइड ऑप्शन दी जाती है स्टोरेज की। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इस सीट के नीचे भी एक स्टोरेज दी जाती है। तो स्टोरेज तो अच्छी खासी वैगनार 2012 में आपको मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इसमें कहीं पर भी बोतल होल्डर अच्छे से नहीं दिया गया है। यदि आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और आप पानी की बोतल आप साथ में लेके जा रहे हैं, या आपको बड़ी बोतल लेके जानी है या दो तीन बोतल लेके जानी है, तो आप नहीं लेके जा पाएंगे। हाँ, आपकी हालांकि छोटी बोतल यहाँ पर आ सकती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर आप छोटी बोतल जरूर से रख सकते हैं, लेकिन आपकी बड़ी बोतल आसानी से यहाँ पर नहीं आएगी। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसमें स्टोरेज अच्छी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें बोतल होल्डर कहीं पर भी अच्छे से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसमें थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको रियर वाइपर के साथ डिफोगर भी मिल जाते हैं, जो VXI मॉडल में मिलते हैं आपको 2012 में। लेकिन आप जानते हैं कि 2022 मॉडल में आपको रियर वाइपर नहीं मिल पाता है, चाहे आप VXI मॉडल भी परचेज क्यों ना कर लें, लेकिन ये इसमें मिल जाता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही चीप क्वालिटी में आपको वाइपर मिलता है, ये यहाँ से टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है इसका। और यहाँ पर इसमें क्रैक भी आ गया है, जिससे कि ये ढीला हो गया है। जैसे ये पहले ऐसे था और अब ये छोड़ दूंगा तो मैं ऐसे हो जाता है। तो इसका बहुत ही चीप क्वालिटी में ये दिया गया है यहाँ पे। तो ये था इसका थर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो चलिए अब इसके फोर्थ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों वैगनार 2012 में आपको फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है कि इसके जो टायर्स आते हैं वे चारों ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से, और बहुत ही अच्छे वे चलते हैं। और यहाँ पर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो ये टायर्स मिलते हैं आपको, ये केवल यहाँ पर आपको 13 इंचेस के मिलते हैं, जिस कारण से आपको ये बहुत ही ज़्यादा छोटे लगते हैं, क्योंकि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से आपको ये बहुत ही छोटे टायर मिलते हैं, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है यहाँ पर ये। दोस्तों यहाँ पर कंपनी को इसमें 14 इंचेस के टायर तो कम से कम देने ही चाहिए थे। हालाँकि आज भी 2022 मॉडल में भी 13 इंचेस के ही टायर्स अप्लाई करती है कंपनी, जो कि बहुत ही बुरी बात है कंपनी की तरफ से, उन्हें 14 इंचेस के टायर देने चाहिए। तो ये था इसका फोर्थ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर इसका फिफ्थ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है। इसका जो फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है आपको वो बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ पे 2012 मॉडल के हिसाब से। और जो 2022 की यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आती है वो बहुत ही बकवास और बेकार आती है, आप जानते ही होंगे इस बारे में। तो इसलिए वैगनार 2012 की बिल्ड क्वालिटी 2022 से बेटर है, ये इसका एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। इसका जो फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी माइलेज। यहाँ पर आपको कुल मिला के बात ऐसी है कि 15 KMPL तक की माइलेज आपको मिल जाती है, जैसा कि मैंने इसे चलाया है और यूज़ किया है। तो वैगनार 2012 में माइलेज का बहुत ही इशू है ये,
क्योंकि जो 2022 मॉडल आती है वैगनार उसमें आपको 22 के एमपीएल या 23 के एमपीएल तक की माइलेज आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 15 के एमपीएल तक की माइलेज मिल जाती है। हद से हद आपको इसमें 16 या 17 तक की मुश्किल से मिल जाती है, जो आप बहुत ही अच्छा चलाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ वैगनार 2012 के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कैसे लगे वैगनार 2012 के बारे में। ये था VXI मॉडल इसका। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।